Hello everyone, in the last lecture we read about ultra penetration and ultra concentration. Today we will discuss about the properties of colloidal solution. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अल्ट्रा पेनिट्रेशन और अल्ट्रा कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलाइडियल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. सो आवर हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है, अब देखिए कोलाइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में आपको क्या देखना है. हम इनके प्रॉपर्टीज पे अगर बात करें तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज इनकी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्या करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं. अब देखिए इनमें कोलाइडियल में अगर हम बात करें तो जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है ये बहुत ही कोलिगेटिव बहुत ही लो वैल्यू दिखाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के. जैसे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़े होंगे, लोअरिंग इन वीपी एलिवेशन वीपी ये सब. ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कोलाइड्स सोर्स वेरी लो वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, मतलब जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो बहुत ही लो वैल्यू शो करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी. ठीक है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी हो गया, तो प्रेशर वाला एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया. दूसरा क्या हो गया, एलिवेशन इन वीपी, इन वीपी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया. देन डिप्रीजन इन एफपी, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफपी. एंड लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ये हो गए धीरे धीरे. देखिए कोलाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं. और ये कोलाइड्स जो होते हैं बहुत ही लो वैल्यू शो करते हैं. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी हो गया, एलिवेशन इन वीपी, डिप्रीजन इन एफपी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं. एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका आता है टिंडल इफेक्ट. देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हमारी जो लाइट होती है जब लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. ठीक है, वो भी स्कैटर किससे हो जाए, कोलाइडियल पार्टिकल की वजह से, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. तो आप कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल्स, मतलब कोलाइडियल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं. और देखिए ये जब स्कैटर हो जाता है लाइट, तो यहाँ से एक पाथ जनरेट होता है और इस पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग, टिंडल कोन बोलते हैं. ठीक है ना, सो वी कैन से दैट टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल्स एंड द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम इज टिंडल कोन हो गया. ठीक है, ये हो गया
देन देखिए, अब देखिए टिंडल इफेक्ट का होने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो टिंडल इफेक्ट कब शो करेगा लाइट, तो कंडीशंस में आपका पहला कंडीशन हो जाता है जो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर होता है वो कभी भी जो लाइट का यूज़ कर रहे हैं उसके वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स शुड नॉट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब जो हमारा पार्टिकल का डायमीटर होता है, मतलब कौन ये कौन से पार्टिकल हैं हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल के डायमीटर कभी भी जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उस लाइट के वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा इसमें मेन कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे हम अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लें, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, इसमें रीज़न ये होता है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल हैं ट्रू सॉल्यूशन के वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल होते हैं इनके पार्टिकल, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, जिससे ये स्कैटर नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर टू स्मॉल इन साइज एंड डू नॉट स्कैटर। ठीक है, कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड इनकी प्रॉपर्टी है कलर। देखिए कलर की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो जो कोलाइडियल सॉल होता है ये क्या होता है, लाइट के जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कलर ऑफ कोलाइडियल सॉल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्जन पार्टिकल्स। मतलब ये क्या करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे किसी भी कोलाइडियल सॉल्यूशन या कोलाइडियल सॉल्व का कलर क्या करता है, जो लाइट और स्कैटर हो रहा है उसी पर डिपेंड करता है, उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें मिल्क और वाटर का मिक्सचर ले लें, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अगर आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये क्या देते हैं, ये आपको ब्लू दिखेंगे। और ब्लू कब दिखते हैं, जब आप इसको रिफ्लेक्टेड लाइट के अकॉर्डिंग देखते हो। ठीक है, जब लाइट रिफ्लेक्ट, अगर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन बना लें और इसको देखें दूर से, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसके अकॉर्डिंग ही आपको ब्लू दिखेगा। बट अगर हम यही क्या कर दें, ट्रांसमिटेड लाइट का यूज कर दें, तो ये ट्रांसमिटेड लाइट में क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरीके से देखिए हमारा जो गोल्ड सॉल होता है, ठीक है, गोल्ड सॉल क्या होता है, कलर में रेड होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनकी साइज इंक्रीज करते जाते हैं ये क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। पहले रेड रहेगा, तब ब्लू हो जाएगा, और लास्ट में गोल्डन हो जाता है। तो ये कलर्ड हो गए। बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, कोलाइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आप याद रखे रहिएगा। टिंडल इफेक्ट में क्या आपने बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडियल पार्टिकल। जैसे कोलाइडियल पार्टिकल से जो लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में आपने बता दिया कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि देखिए जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है, उसका डायमीटर कभी भी
लाइट की वेवलेंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका कलर हो गया, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी आपको और प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।